दिल संघर्ष में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपने 50 साल अमेरिका में दिए, वहाँ इनका बहुत ही अच्छा बिजनेस सेटअप है, बट फिर भी ये बहुत ही बड़े एक अम्बेडकर गाइड हैं। और सबसे पहली बार इन्हें 15 साल की उम्र में बाबा साहब से मिलने का मौका मिला है। आइए जानते हैं कि इन्हें प्रेरणा कैसे मिली कि हम अम्बेडकर राइड को आगे बढ़ाएं, और ये जब पहली बार बाबा साहब से मिले तो इन्होंने क्या बातचीत की, कैसे बाबा साहब को जाना, उस समय बाबा साहब कैसे थे, कितनी भीड़ थी उनसे मिलने के लिए, इन सारी बातें करेंगे आज हम योगेश बांगेरा जी से। सर आपका स्वागत है जनसंघर्ष में। सर आप ये बताइए कि जब आप पहली बार बाबा साहब से मिले तो उस समय आपकी क्या स्थिति और आप कैसे बाबा साहब से मिलने गए पहली बार, उस समय कितनी भीड़ थी, कैसे आप उनसे मिले? उसमें हकीकत ऐसी है कि मैं 13 साल का था उस वक्त, और बाबा साहब नागपुर के सोनेगांव एयरपोर्ट पे आए थे। तो अपने को इतना ही मालूम है कि बाबा साहब तो अपने भगवान है ना। तो वहाँ एयरपोर्ट जाने के बाद वो आए, वैसे निकल गए अंदर में, तो मुझे देख जा रहे हैं, सब देखने को मिला। मैंने किसी को पूछा, भैया कहाँ जा रहे हैं? तो बोल रहे यहाँ पर वो माउंट होटल है नागपुर में, वहाँ रुकने वाले हैं। तो मैं वहाँ चले गया, वहाँ पर एयरपोर्ट पर काफ़ी लोग थे, वहाँ पर वहाँ जाने के बाद वहाँ भी अपने लोगों के वो प्रोटेक्शन के लिए वहाँ खड़े होते थे लोग। अब मेरे ख्याल में आया कि मेरे पास में एक छोटी सी नोटबुक ले गया था, मैं ख्याल में बाबा साहब का सिग्नेचर लेना चाहिए। ये मेरे दिमाग में कैसा है ये भी मुझे आज तक मालूम नहीं है, लेकिन एक ऐसा इमोशंस उसका सवाल था वो। तो वहाँ जाने के बाद जो बाबा साहब के जो पीए थे राजभोज उस जमाने में, उनको बाबा साहब की एल शेप की रूम थी कोने वाली, तो वहाँ से वो आते थे और वहाँ ऑर्डर किया करते थे। मेरे को कहा भैया हमको बाबा साहब की सिग्नेचर चाहिए। तो ये पागल लड़का है भाई, 13 साल का और बाबा साहब सिग्नेचर मांगता है। तो उन्होंने बोला अरे भागो, चलो बाबा साहब सिग्नेचर को दिए तो 10 साल लोग खड़े हो जाएंगे। तो मैं चुप बैठ गया। फिर आधे घंटे में आते मैं फिर से वही करने लगा। तो ऐसा करते करते 10 से 3.5 दिन हो गए। मुझे ये भी याद नहीं कि मैं वो 5 माइल बिना पैर में जूते या चप्पल होते हुए इतनी गर्मी में कैसे चल देगा, आज भी मेरे सामने वो बड़ा सवाल है। तो वहाँ जाने के बाद उनको मैंने बोलने के बाद में फिर 3:30 बजे उन्होंने कंप्लेंट की बाबा साहब से कि एक लड़का बहुत जीती है, वो घर जाने की तैयार नहीं है। तब उस वक्त बाबा साहब ने मुझे बुला लिया एंड वो तो आई वॉज फ्रोजन विद द जॉय कम्प्लीटली। तो बाबा साहब के सामने सिर्फ ऐसा पुतले की तरह रखा, मैं प्रणाम नहीं कर सका उसका, आई वॉज सो लॉस्ट इन दैट प्रेशर। अब वो मुझे बोलने लगे, मुझे उन्होंने मैंने अपनी छोटी सी डायरी बाबा साहब के सामने रख दी। तो बाबा साहब ने अपना पेन निकाला, उसको सिग्नेचर करने लगे। तो सिग्नेचर करते करते वो पेन में इंक खत्म हो गया, उनको पेन का बहुत शौक था मैं जानता हूँ, क्योंकि हर जगह लिखान करते थे वो। तो डायरीज और पेन के सारे घर में बंगले में सब जगह रखते थे वो, आई वॉज अवेयर ऑफ इट एट ए लेटर स्टेज। तो मुझे पूछने लगे उनके पेन में खत्म होने के बाद, अभी पेन है तुम्हारे पास में? मैंने हाँ बाबा है हमारे पास, हमने निकाल के उनको दे दिया। फिर वो लिखने गए, हमारे लिए वो बहुत बड़ा पेन था, एक तो 4-5 चीज़ें भी नहीं होंगे उस ज़माने में हमारे पास। तो हाँ, तो वो देने के बाद में सारे बर्थडे बाबा साहब बोलने लगे मुझे, अरे पेन तो बड़ा अपने लगते आज कल के लड़के, प्रेफरेंस से कहा उन्होंने, उन्होंने सिग्नेचर दी, मैं बाद में बाहर में निकल आ गया। तो वो शुरुआत है समझने की बाबा साहब। और हमारे बस्ती में जो सीनियर लोग थे वो बाबा साहब के कॉन्टैक्ट में थे उस वक्त उस जमाने में। अब वो हो गया हमारे उम्र के 13 साल का, 15 साल के जब थे तो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को नागपुर में दीक्षा का प्रोग्राम लिया सारे महाराष्ट्र में। बाबा साहब ने 1935 में डिक्लेयर किया था भैया हम इसमें पैदा हुए थे लेकिन हम इसमें मरेंगे नहीं। तो तब से ये मूवमेंट के पीछे सारे धर्म के गुरु उनके पीछे पड़े थे, किसी भारत में ये हमारे धर्म में आइए, हमारे धर्म चाहे बहुत पैसे थे, इवन इनका ये जो खा आगा खान उसने तो ब्लैंक चेक भेज जाते क्योंकि जो भी मेमेंट लिखना है वो लिखो हमारे साथ में ले आइए आपके लोग। बाबा साहब ने उस चेक निकाल के फाड़ दिए और उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था, मैं जिस रास्ते पर जाऊँ तो वो देश के लिए अच्छा होना चाहिए। और
मेरा नाम इस देश के हर्ट करने वाले लोगों में से नहीं होना चाहिए देश को, ये प्रिंसिपल की बात है। तो ये जब मूवमेंट चल रही थी तो सब जगह मैसेज फैल गया उसके पहले, एक 6 महीने पहले, एक साल पहले और कि भाई बाबा साहब दीक्षा लेने वाले तैयार हो जाए या तैयार हो जाए, जिनको भी आना है। बाबा साहब ने अपने भाषण में बोला था, फिर भी बोल रहे कि मैं इसमें मरने वाला नहीं हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं था कहाँ पैदा होना, लेकिन मरना मेरे हाथ में है। तो उस हिसाब से मूवमेंट शुरू हो गई। तो बाबा साहब का जो असिस्टेंट्स है सब जगह, बॉम्बे में बहुत थे, बॉम्बे नागपुर सब जगह जो जो बाबा साहब को फॉलो कर रहे थे, बड़ी मूवमेंट थी वो सारी। तो उसमें फिर पब्लिश जब होगा तो जो लोग बहुत गरीब भी थे, जिनके बारे में पैसा भी नहीं था, वो एक एक हफ्ता चल के आए और खाने को ज़्यादा नहीं रहा तो सूखी चपाती सुखा कर उसको और नमक साथ में लेकर जहाँ कहीं भी रुकना है तो वहाँ वो पानी में डुबा के खाते हो गया ज्वारी की रोटी। तो ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था। और नागपुर में आने के बाद में जो सीन था वो निराला ही, स्टेशन से लोग उतरे जैसे तो वहाँ पे एक ही नारा था, बाबा साहेब करे पुकार, बौद्ध धर्म का करो स्वीकार, इस तरह का ये माहौल एकदम चार्ज हो चुका था, समझे ना। अब वहाँ आने के बाद में दूसरे दिन दीक्षा के दिन सब लोग इकट्ठा हो गए, बीच में लोग ऐसी उठा के बोलते थे बाबा साहेब के जिंदाबाद वगैरह, बाकी सारे सारे नारे लगा करते थे। अब उसके बाद 12 तारीख को, अब 14 तारीख को वो पूरा सीक्रेट रखा गया था, वो बाबा साहब कैसे आएंगे करके, वहाँ पे पूरी पूरा प्रिकॉशन लिया गया था, क्योंकि हम लोगों को उस बाद में पता चला कि वहाँ पे कुछ इनके प्लॉट भी थे दुश्मनों के, उनको रोकने के लिए या उनके जीवन को हानि पहुँचाने के लिए। तो पूरा प्रिकॉशन लेके सब जगह से लोग अपने सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह अपने लोगों ने खड़ी कर रखी। अचानक से इस पर बाबा साहब पहुँचे, किसी को पता नहीं चला। उन्होंने 2 ऐसे बनाए थे पैसेजेस जिसमें इधर से भी आई या उधर से भी आए, फटाक से उस स्टेज पे खड़े हो गए, तब लोगों को पता चला कि बाबा साहब पहुँच गए करके। और उनका आने का भी उन्होंने बड़ा सीक्रेट रखा था, वहाँ से दिल्ली से निकलते वक्त उनका टिकट भी कोई निराले नाम से रिजर्व कर चुके थे, जिन्होंने सिस्टम बना रखे थे, किसी भी पता नहीं चले। वो आए तो हमारे बस्ती में, वो शाम होटल है वहाँ पे रुके थे, वहाँ भी पता नहीं चला लोगों को बहुत अच्छा। वो आने के बाद में, रुकने के बाद में फिर गुड़बड़े साहब हमारे बच्चे को उन्होंने कहा, फिर उन्होंने हमको बताया थोड़ा सा आगे करके, तो मालूम कि इनके पास में बताने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा करके। तो वैसे ही था, इतना सीक्रेट रखा गया था कि ये मूवमेंट में ये पूरा करने तक कोई इसमें हिंड्रेंसेस नहीं आना चाहिए करके, ये चलते रहा। और जब दूसरे दिन फिर बाद में, पहले दिन तो बाबा साहब ने पहले खुद दीक्षा ली चंद्रमणि महासेवर के साथ में, और वो होने के बाद में फिर बाबा साहब ने हमको दीक्षा दी। सारे लोग सफ़ेद कपड़े पहन के आए थे वहाँ पे, इतने कम समय में सारे सफ़ेद कपड़े और सफ़ेद साड़ियाँ पहन के सब आने के लिए कहा था उन्होंने, तो मेजॉरिटी लोग ऐसे आए थे सफ़ेद कपड़े पहन के। और हम लोग सब खड़े हो गए तो बाबा साहब पहले हमको दीक्षा दी त्रिशरण पंचशील, और उसके बाद में बाबा साहब ने बोला कि 22 प्रतिज्ञा उन्होंने लिख के रखी थी, तो वो 22 प्रतिज्ञा का उन्होंने हमको उसके बाद में रिपीटेशन करने के लिए कहा, तो हमने सबने लियो एंड दैट वाज द एंड। कि बोलेंगे कि मैं आज भाषण नहीं दूंगा, मैं भाषण कल दूंगा आपको, मैंने ये रिवर्स किया है तो इसका फॉर्मेट, लेकिन मेरा उसके पीछे कोई रीज़न से मेरे, तो उस हिसाब से फिर वो दूसरे दिन उसी जगह आए और उसी जगह उन्होंने बाद में 2.5 घंटे का स्पीच दिया। वो बहुत हिस्टोरिक स्पीच है, जिसमें उन्होंने सारा हिस्ट्री निकाली है अपने लोगों की, भारत की, हिंदू मूवमेंट की, ब्राह्मणिज्म की, और वेयर वी हैव टू गो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, ये सारा का सारा उन्होंने उसमें निकाला हुआ है। तो बड़ा हिस्टोरिक स्पीच है वो, और उसमें उन्होंने बताया कि वी वेयर द डिसेंडेंट्स ऑफ द नागास, नागास एट वन टाइम वेयर द रूलर्स ऑफ इंडिया, सो वी वेयर द रूलर्स ऑफ इंडिया एट वन टाइम इन द हिस्ट्री, देन द इंडो आर्यन रेस केम इन इंडिया बाय हुकर बाय क्रू, दे डिफीटेड द नागास एंड वी बिकेम द ब्रोकन पीपल एंड दे वर द स्टॉन्च फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म, दैट्स वाई वी वेयर मेड अनटचेबल्स एज अ ब्रोकन बी,
ये उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उनके स्पीच में वो सारा आ चुका है। एंड देन भी उनको हिंदू मीडिया भी जो था वहाँ पे, उनको सबको उन्होंने सवाल पूछा है कि हम लोग इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने खुद के पैर पे, कभी तुमने ईमानदारी से कही हमारी सच्ची न्यूज़ बताई कभी लोगों को, उनका क्या चल रहा है करके? कभी नहीं बताई। तो सारे क्वेश्चन उन्होंने काफ़ी किए उनको उस ज़माने में। एंड देन ही सेड दैट भाई ये अपना जो बौद्ध धर्म जो अभी खड़ा हुआ है तो वो ऐसा एक धर्म है दुनिया में जो साइंटिफिक है, लॉजिकल है, और जिनको पसंद है उन्हें ले लेना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये लोग कहेंगे अरे ये तो महारों का धर्म बन गया करके। और इसलिए उन्होंने कहा कि यू हैव टू लर्न टू प्रैक्टिस ऑल्सो एट द सेम टाइम, और उसके यू हैव पीपल हैव टू सेट अप द एग्जाम्पल्स फॉर द अदर कम्युनिटीज हाउ गुड द बुद्धिज्म इज, हाउ द पीपल कैन चेंज दिस नेशन, ये उनका मैसेज था उसमें। सो आई वॉज वेरी प्लीज, सो आई हैड ए लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग एज ए 15 ओल्ड बॉय, लेकिन आज मैं उनके सारे भाषण पढ़ता हूँ, मटेरियल पढ़ता हूँ, तो आई एम वेरी प्लीज दैट ही ब्रॉट अवर पीपल। इन फैक्ट आई फाइंड इट मोर इम्पॉर्टेंट दैन यू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि दैट चेंज कम्प्लीटली दैट ही कनेक्टेड अवर पीपल डायरेक्टली इन दैट वन इंसिडेंट टू द रेस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट वर्ल्ड, दैट्स वन पार्ट। सेकेंडली वी कैन वर्क टुगेदर एज ए कम्युनिटी एज सच इन द ग्लोबल लेवल, एंड थर्ड थिंग इज दैट ही ब्रॉट द dignity back and confidence back, because in Buddhism there is no nonsense of the caste system or the inferiority complex, they are all equal, and you only become what you think, you act and you do. ये सारी चीज़ों के ना जमने मन से, तन से और सारी एनर्जी से जो तुम करते हो वही तुमको भोगना पड़ेगा, चाहे दुनिया में कहीं भी रहो तुम। ये जो भगवान बुद्ध का जो मैसेज है वो बहुत सीरियस स्वरूप का है उसमें, और ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसमें से अपने लोगों को उनसे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया। एंड आई थिंक दैट परहैप्स दैट द मोस्ट अनयूजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट विदाउट अ स्वॉर्ड 5 to 7 million पीपल बिकेम बुद्धिस्ट इन वन डे, देर इज नन बार नन, देर इज नो कंपेरिजन एट ऑल इन द वर्ल्ड ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। एंड आई थिंक इवेंचुअली द हिस्ट्री विल हैव टू मेक ए नोट ऑफ इट।